हेलो स्टूडेंट, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट थर्ड देखते हैं। और इसके पहले दो पार्ट में हम बता चुके हैं, आप लोग देखे होंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई, ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट टाइप में भी कभी दे सकते हैं। तो देखिए, आपको बहुत ही आसान तरीका से बता दूंगा, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी तथा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू हो, तो सिद्ध करें कि पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टू पी बाई क्यू। अब देखिए, अब हम दोनों साइड से सिद्ध करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख देंगे, चूंकि और क्वेश्चन नंबर जो भी है, मान लीजिए कि क्वेश्चन हम 11 लिख देते हैं, तो यहाँ पर 11 हम क्वेश्चन लिख देंगे और तब जाकर बनाएंगे चौथाई के अंदर में। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी, ठीक है। और एक दिया है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर माइनस वन लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इतना बराबर p है, तो p के जगह पर ये जो p है, p के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर पी स्क्वायर है माइनस वन। ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर माइनस वन है। आप लोगों को पता होगा इसका मान क्या होता है, इतना का मान क्या होता है, वन होता है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं पाएंगे ना, तो कोई सोचेगा कि बाटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है, और प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और माइनस वन है। और यह देखिए, प्लस वन और माइनस वन दोनों कैंसिल हो गया, तो बराबर हो गया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड को रहने देते हैं। अब राइट हैंड साइड से देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में जो है उसको हम लिख देंगे क्या है, टू पी बटा क्यू, तो टू पी बटा क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, टू इंटू पी का मान क्या है, पी का मान इतना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, टू पी हो गया। उसके बाद बाटा क्यों है, तो क्यों बराबर क्या है, देखिए क्यों बराबर है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो यहां पर लिख देंगे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। चलिए इधर आगे देखिए, अब यहां पर इसको जेव करता हूं, हम लिख देंगे टू इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बाटा में यहां पर देखिए सेक थीटा तथा और प्लस कॉसेक थीटा को, ये दोनों को हम साइन और कॉस के फॉर्म में ले जाएंगे। तो देखिए, सेक का उल्टा कॉस होता है और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो हम सेक का उल्टा कॉस होता है, तो हम लिख देंगे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बाटा कॉस थीटा और प्लस वन बटा साइन थीटा, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब यहां पर टू इंटू हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। और इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो एलसीएम लेंगे, तो देखिए यहां पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम यहां लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर बाटा, चलिए बाटा का जोड़ हम बना ही देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एलसीएम ले लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ कॉस कॉस लड़ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, अब प्लस साइन साइन लड़ गया तो क्या होगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा है, और बाटा हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये जो नीचे है ये कहाँ चला जाएगा,
ऊपर चला जाएगा गुना में, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो दोनों है कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा था टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा आ रहा था यहाँ पर, टू साइन इंटू कॉस थीटा, कॉसेक नहीं है, टू साइन इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पर आ गया टू साइन इंटू कॉस थीटा, दोनों बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों ओर से बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए, तो ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये बहुत ही भव्य क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन। अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना चाहिए कि लिंक दिया गया है कि नहीं दिया गया है, या प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत भव्य क्वेश्चन है। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर m, तो सिद्ध करें कि sin थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस 1 बटा m स्क्वायर प्लस 1। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होगा तो इस क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय पर बनेगा, जैसे कि मान लीजिए जैसे दिया रहता है, जैसे मान लीजिए दिया रहता है कि sin थीटा बराबर 4 बटा 5, तो ये सब निकाले, ठीक है। तो बस वही नियम अपनाना है, आपको हल्का करके बता रहे हैं। और देखिए सिद्ध करने में क्या होता है, जैसे मान लो करें कि इतना से ये सिद्ध करना है, तो हम इससे इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो हम उसको हम लिख देंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 बटा एम स्क्वायर प्लस 1। अब ये दिया है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कर्ण जब दे दिया तो आधार हमको निकालना है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कर्ण क्या है, एम स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर माइनस 1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो जब m स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो m पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2ab होता है, तो 2ab या b स्क्वायर हम लिखते हैं पहले, तो 2ab हम पहले यहाँ पर लिखेंगे, तो 2ab तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पर हम कोस्ट में ही कर देंगे, m पावर 4, ठीक है, माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, m पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1, अभी जो कहते हैं उतार कर रहे हैं, माइनस इसमें भाग लगा देंगे तो हो जाएगा m पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो m पावर 4 है कट जाएगा, तो चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस जब हम इसमें किए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर डबल थीटा लिखा है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ से फर्क पड़ जाता है, अगर यहाँ माइनस नहीं करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 1 और माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचा, 2m स्क्वायर और प्लस 2m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, ठीक है, 4m स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m, क्योंकि 4 का 2 हो गया और m स्क्वायर है तो m हो गया, ठीक है। चलिए, हमारा आधार जो है 2m स्क्वायर 2m निकल गया। अब यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर m हमको लाना है, तो sec थीटा बराबर क्या होता है हम पहले निकालेंगे, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर कर्ण कितना है, था एम स्क्वायर प्लस 1, तो हम लिख देंगे एम स्क्वायर प्लस 1, और आधार यहाँ पर आया है 2m,
तो हम 2m लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर tan थीटा का भी मान निकाल देंगे। थोड़ा आसान से बता रहे हैं जो आराम से आप बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख कर बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। और यहाँ पर देखिए लंब कितना है, एम स्क्वायर माइनस वन अब बटा 2m, आधार 2m ही है। इसलिए sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर, अब sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर हमको क्या लाना है, m लाना है, यही सिद्ध करना है एक तरह से, ठीक है। तो sec थीटा का मान क्या है, एम स्क्वायर प्लस वन बटा 2a, एम स्क्वायर माइनस वन बटा 2m। यहाँ पे यहाँ 2m हम क्या ले लेंगे, कॉमन LCM, तो 2m 2m लड़ जाएगा, तो ऊपर वाला जेम के तुम उतर जाएगा, ठीक है। और प्लस है, प्लस में है तो वो तो जेम के तुम ही होगा, एम स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पर देखिए 2m स्क्वायर हो गया और 1 कट गया, अब बाटा में है 2m, 2 कट गया और m से 1m कट गया, तो क्या बचा m, और हमको m ही लाना था, तो ये हो गया प्रूफ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। अब आगे वीडियो मिलते हैं, और रोजाना 8 बजे जब तक मैट्रिक परीक्षा चल रहा है, रोजाना 8 बजे आपको वीडियो, आगे आने वाले परीक्षाओं का वीडियो सब्जेक्टिव आपको पूरा के पूरा मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।